हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल पंडित, आप देख रहे हैं न्यू केक वाला। आज हम आपको बटर स्कॉच केक कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताएंगे। जब हम बटर स्कॉच केक बना रहे हैं तो उसका जो हम लेयर कंप्लीट करते हैं उसको किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को बना रहे हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे कुछ और रिलेटिव रेसिपी का लिंक दिया रहेगा। आप हमारे इस लिंक पे जाके हमारे सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। हमारा चैनल न्यू केक वाला को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकन का घंटी भी दबाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो आइए हम आज बटर स्कॉच केक का रेसिपी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये वेनिला स्पंज है, इसको हम तीन लेयर में कटिंग करके रखे हुए हैं। तो ये वेनिला स्पंज को हम पहले इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि हम लेयर लगा रहे हैं। तो हम वेनिला स्पंज का जो तीनों लेयर है वो इस तरीके से रख लिए हैं। और हमारे पास आप देख पा रहे हैं ये शुगर सिरप है, इसको इस स्पंज में लगाएंगे। तो हम इस तरीके से सबसे पहले हम सिरप को स्पंज के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। आप जूस का क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा, आपको जितना जूसी केक बनाना रहेगा आप अपने हिसाब से जूस का क्वांटिटी रख सकते हैं। तो हम इस केक में जूस का जो क्वांटिटी है वो मीडियम रखेंगे क्योंकि हमको इसको आइसिंग करना भी रहेगा, इसलिए हम इसमें मीडियम रख रहे हैं ताकि आइसिंग करने के टाइम पे हमारा जो जूस है वो केक से बाहर ना आए। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको बटर स्कॉच केक बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम बटर स्कॉच का क्रीम बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास व्हिप क्रीम है, तो ये व्हिप क्रीम को हम पहले ऐसे यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं हमारे पास ये बटर स्कॉच का नट्स है जो पहले से हम तोड़ के ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो इसको भी इस क्रीम पे यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये बटर स्कॉच क्रश है, हम थोड़ा सा क्रश भी इसमें यूज करेंगे। तो इसमें हम पहले क्रश लगा लेते हैं, ये देख पा रहे हैं हम इसमें क्रश डाल दिए। उसके बाद इस क्रीम को हमको बहुत ही बढ़िया इस तरीके से मिला लेना है पहले, ताकि हमारा जो क्रीम है बटर स्कॉच का नट्स है और जो मैं बटर स्कॉच का क्रश यूज किया हूं वो प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब देख पा रहे हैं हम ये क्रीम को मिक्स कर लिए हैं। अब इस क्रीम को इस लेयर पे रखेंगे, फिर इस लेयर पे रखेंगे, फिर इस लेयर पर रखेंगे, फिर इस लेयर पर रखेंगे, इस तरीके से रख लिए हैं। फिर इस क्रीम को हमको इस केक पे पूरा इस तरीके से लगाना है। आप देख पा रहे हैं हम पूरा जो क्रीम है उसको केक के ऊपर पूरा पूरा मैं इस तरीके से लगा लिए हैं। ये देखिए मेरा स्पंज में पूरा क्रीम हो गया है। अब ये जो सेकेंड लेयर है इसको उठा के हमको इस फर्स्ट लेयर पे रखना है, और ये जो थर्ड लेयर है इसको उठा के हमको सेकेंड लेयर पे रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये बटर स्कॉच केक का लेयर कंप्लीट हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि हम दो केक बना रहे हैं, तो सेम उसी रेसिपी से इसको भी इस पे रखेंगे। ये सेकेंड लेयर है, इसको उठा के हम फर्स्ट लेयर पे रखेंगे। ये मेरा थर्ड लेयर है, इसको उठा के हम सेकंड लेयर पर रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो दोनों बटर स्कॉच केक बनाने जा रहा हूं उसका लेयर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब इसको हम आइसिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको आइसिंग कर लेते हैं। तो व्हिप क्रीम को इस तरीके से आपको ऊपर रखना है और आइसिंग पट्टी के सहारे आपको इस तरीके से आपको आइसिंग करना है। तो सबसे पहले हम आइसिंग कर लेते हैं। देख पा रहे हैं हम जो क्रीम लगाते हैं बहुत ही कम यूज करता हूं,
इस तरीके से आपको साइड में भी आइसिंग करना है। आप आइसिंग में जितना बढ़िया फिनिशिंग कीजिएगा उतना ही बढ़िया आपका केक का लुक भी आएगा। तो हम फिनिशिंग से पहले आइसिंग कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं कितना बढ़िया आइसिंग कर रहा हूं मैं इसको। फिर साइड से एक कंघी है, इस कंघी के सहारे इस तरीके से क्रीम को आपको बराबर कर लेना है। आपको अगर साइड से प्लेन करना है इस तरह का लाइनिंग अगर नहीं रहेगा तो आप इसको इस तरीके से प्लेन भी कर सकते हैं। तो इसको हम प्लेन रखेंगे एकदम पूरा। फिर ये जो ऊपर का क्रीम है इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा केक था वो आइसिंग कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर कुछ टॉपिंग करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसमें हम ये जो साइड से है इस तरीके से किनारे का भी बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग कर लेंगे डोम पट्टी के सहारे। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया मेरा जो है क्रीम इस पर आइसिंग कर चुका हूं। देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग हो गया है। अब इसको हम ऊपर कुछ जेली का टॉपिंग करेंगे। तो इसमें हम दो जेली का टॉपिंग करेंगे, बीच में थोड़ा सा येलो लगाएंगे बीच के लिए सेंटर के लिए। इतना तक हम येलो कलर का जेली टॉपिंग कर दिए। फिर इसमें हम ऑरेंज कलर का जेली टॉपिंग करेंगे। इसका कुछ डेकोरेशन हमको करना है तो इस दोनों जेली के बीच में हम आपको डिजाइन करके दिखाएंगे। आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। हम आपको इस तरीके से डेकोरेशन करके इसमें बताऊंगा। फिर इसको जेली जो हम टॉपिंग किए उसको इस तरह से आपको पूरा लेबल कर लेना है। अब देख पा रहे हैं हम जो जेली था हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। साइड से भी फिनिशिंग कर लेते हैं। ये देखिए हम साइड से भी फिनिशिंग कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा कितना बढ़िया फिनिशिंग आया। अब थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट करके दिखा रहे हैं आपको। तो आप देख पा रहे हैं इस कोन में हम व्हिप क्रीम भरे हुए हैं और ये कोन के सहारे इसमें हमको बबल्स बनाना है। तो आप इस प्रकार से आप बबल्स कर सकते हैं। आपको कोन को प्रेस करना है ताकि हमारा जो क्रीम है उस जेली में जाएगा तो इस तरीके से बबल्स आपको आएगा। तो हम पूरा केक पे इस तरीके से बबल्स बना लेते हैं। हम कोन में जिसे भरे हैं क्रीम उसको देखिए अब हम प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो बबल्स का डिजाइन आ रहा है पूरा और बबल्स जो है वो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। अब देख पा रहे होंगे तो इसी तरह से हम पूरा केक पे कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बबल्स आ रहा है। हमारा दो कलर है। तो पूरा केक में हम इसी प्रकार का डेकोरेशन कर लेते हैं। इसमें अब देख पा रहे हैं जो दो कलर में है इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया से हमारा जो केक है वो हो गया है। अब इसको हम बेस पे उठा लेते हैं। तो अब देख पा रहे हैं इस तरीके से उठा के इस केक को हम बेस पे रख दिए हैं। सेम इसी प्रकार इस केक को भी हम आइसिंग कर लेते हैं।
तो एक केक को भी सेम उसी प्रकार इसको भी आइसिंग कर लेते हैं हम। अब देख पा रहे हैं इसको हम आइसिंग कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक केक भी हमारा आइसिंग होके कंप्लीट हो चुका है। इसको हम इसी तरीके से प्लेन ही रखेंगे क्योंकि इसमें हम बटर स्कॉच का नट सिप पाएंगे पूरा, तो इसको हम इसी प्रकार छोड़ देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा बटर स्कॉच का नट्स है। तो हम ये जो प्लेन केक हम रखे हुए थे इसको हम पूरा बटर स्कॉच चिपका देंगे इस केक पे। तो सबसे पहले हम इसको चिपका लेते हैं पूरा केक में बटर स्कॉच का नट्स। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है पर इसमें हम चॉकलेट का कुछ अलग से डेकोरेशन करके दिखाएंगे कि आप सिंपल केक में भी बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चिक्की को पूरा जो बटर स्कॉच का नट्स है इसको हम पूरा केक पे लगा लेते हैं इस तरीके से। ऊपर में भी आपको लगाना है बटर स्कॉच का नट्स। आप देख पा रहे हैं कि पूरा हम जो है केक को बटर स्कॉच से कवर कर चुके हैं। तो ये केक में सबसे पहले हम बॉर्डर लगा लेते हैं। तो इसमें हम चॉकलेट गनाश का पेस्ट भरे हुए हैं तो हम इसी से बॉर्डर लगाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बॉर्डर लगा रहे हैं चॉकलेट गनाश से। इस तरीके से आपको नीचे बॉर्डर लगा लेना है, इसके ऊपर भी नोजल, ऊपर में भी इसको इस तरीके से नोजल करना है। आप देख पा रहे हैं हम पूरा केक में इस तरीके से राउंड नोजल कर लेंगे इस तरीके से। सिंपल डिजाइन है, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इसको चॉकलेट से हमको डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ये जो चॉकलेट फैन निकाल के हम रखे हुए हैं इससे हम डिजाइन करेंगे। और इस तरीके से चॉकलेट भी बना के रखे हैं, इसको भी इस तरीके से बीच बीच में हम नोजल्स के बीच में पूरा लगाएंगे इसको। पूरा नोजल में इस तरीके का डिजाइन हम पूरा कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है डिजाइन। तो इसमें हम चेरी भी लगाएंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम चेरी लगा दिए हैं। और ये जो चॉकलेट का नोजल मारे हैं इसमें एक एक सिल्वर बॉल भी लगा देते हैं। आप देख पा रहे हैं हम सिल्वर बॉल इसमें एक एक पीस हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बटर स्कॉच केक कंप्लीट हुआ। फिर हम दूसरा केक का भी डिजाइन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये चॉकलेट क्लिप लगाएंगे ऑरेंज कलर का। हम आप देख पा रहे हैं कि हम चॉकलेट का क्लिप बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसको लगा देते हैं पूरा केक पे। आप अपने हिसाब से भी कलर कॉम्बिनेशन को मैच करके आप चॉकलेट बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से डिजाइन करके आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले हम एक क्लिप को पूरा चॉकलेट से वो लगा दिए। अब देख पा रहे हैं अब इसके ऊपर भी हम फैन चॉकलेट बहुत सारा कलर में निकाल के रखे हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देख पा रहे हैं ये चॉकलेट का हम लगा दिए। फिर इसमें हम चेरी बिठाएंगे यहाँ पे। अब हम चेरी लगा दिए हैं। हमारे पास ब्लैक ग्रेप्स भी है तो यहाँ पे हम ब्लैक ग्रेप्स भी रख देते हैं। अब देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये था बटर स्कॉच केक का रेसिपी। तो आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत ये जो केक है। आप देख पा रहे हैं सिंपल में सिर्फ चॉकलेट का डेकोरेशन किए हैं, इसको बटर स्कॉच फ्लेवर में ही कुछ थोड़ा सा अलग हम डिजाइन करना
करने की कोशिश किए हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है।